दोबारा मुख्यमंत्री बना दो, सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के बिल। फरवरी में चुनाव होंगे, मार्च में सबके पानी के बिल फ्री कर दूंगा, सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है, ये कहते हैं एक बार हमारी सरकार बना दो सारा फ्री बंद कर देंगे। दोस्तों 10 साल पहले आप लोगों ने दिल्ली की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी थी, 10 साल में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ 10 साल में मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। जितने काम दिल्ली में हुए हैं पूरे देश में पता कर लो, किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं करे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 10 साल पहले बनी थी, उसके पहले का टाइम याद करो, रोज 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी, सारी सारी रात बिजली नहीं रहती थी, जनरेटर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, इन्वर्टर की बैटरी खरीदनी पड़ती थी। अभी इन्वर्टर तो नहीं है किसी के घर में, जनरेटर तो नहीं है किसी के घर में, 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? पूरे देश में केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और कहीं नहीं आती है। उत्तर प्रदेश से कौन कौन किसकी रिश्तेदारी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस किस की रिश्तेदारी है, फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना बिहार में कितने घंटे बिजली जाती है, फोन करके पूछ लेना यूपी में कितने घंटे बिजली जाती है, फोन करके पूछ लेना हरियाणा में कितने घंटे बिजली जाती है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, 22 राज्यों में इनकी बीजेपी वालों की सरकार है, एक राज्य बता दो जहां पे 24 घंटे बिजली हो। अगर आपने आप लोगों ने गलती कर दी और इनको वोट दे दिया तो देख लो फिर दोबारा 10-10 घंटे पावर कट लगेंगे, फिर खराब हो जाएगी सारी व्यवस्था। बड़ी मुश्किल से ठीक कर रही है दिल्ली, और 24 घंटे केवल बिजली नहीं आती, फ्री बिजली आती है। जिस जिसका एक बार भी फ्री बिजली का बिल आया हो जरा हाथ खड़े कर दो, एक बार भी आया हो, आया ना फ्री बिजली का बिल, जीरो जीरो बिजली का बिल, पूरे देश में कहीं जीरो बिजली का बिल नहीं आता। सबसे महंगी बिजली यूपी में, गुजरात में, बिहार में बहुत महंगी बिजली है। मेरे को याद है जब हमारी सरकार बनी 2015 में, उसके पहले 10-10 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे लोगों के, 5-5 हजार रुपए बिजली के बिल। अब तो आप भूल भी गए होंगे, अब तो आदत पड़ गई जीरो बिजली का बिल, किसी का 400 आ जाता है, 500, अब तो आदत पड़ गई दिल्ली वालों को सस्ती बिजली की, जीरो बिजली की आदत पड़ गई, अब कहां याद है। अगर आपने बीजेपी को वोट दे दिया तो फिर देख लेना क्या हाल होगा, फिर या तो बच्चे पालोगे और या बिजली के बिल भरोगे। गलत तो नहीं कह रहा जी, पानी मैंने फ्री करा लेकिन पानी के बिल बहुत आए हुए हैं आप लोगों के। जिस जिस के पानी के ज्यादा बिल आए हुए हैं हाथ खड़े कर दो, खूब बिल आ रखे हैं ना। मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, पीछे से इन्होंने इतने बिल बना बना के भेज दिए तंग करने के लिए, पर मैं अब आ गया, चिंता ना करना, दोबारा मुख्यमंत्री बना दो सबके पानी के बिल माफ कर दूंगा, सारे पुराने के बिल। बिल भरने की जरूरत नहीं है, जितने ज्यादा बिल आ रहे हैं, जिस जिस के ज्यादा बिल आ रहे हैं आपको लगता है बिल गलत है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। फरवरी में चुनाव होंगे, मार्च में सबके पानी के बिल फ्री कर दूंगा, सारे पानी के बिल माफ कर दूंगा। सही है, यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं हैं, बसों में कौन कौन जाता है, टिकट तो नहीं लगती? ये बीजेपी वाले कहते हैं केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है, ये कहते हैं एक बार हमारी सरकार बना दो सारा फ्री बंद कर देंगे। बनाओगे इनकी सरकार? फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, फ्री बस का सफर चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, दवाइयां फ्री मिलती हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं फ्री दवाइयां नहीं मिलनी चाहिए, गलत बात है। बताओ कम से कम फ्री दवाइयां फ्री इलाज करने का तो पुण्य लगता है, भगवान भी कहता है कि गरीब आदमी का फ्री में इलाज करो, कहता है कि नहीं कहता भगवान? ये बीजेपी वाले कहते हैं फ्री इलाज नहीं होना चाहिए, फ्री दवाइयां नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे शानदार स्कूल बना दिए, कभी देखे थे?
ऐसे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल नहीं है। किसी पार्टी की सरकार बता दो जिसने आपके बच्चों के लिए काम करा हो। मैंने करा आपके बच्चों के लिए काम, इतनी मुश्किल से दिल्ली को ठीक करा है। अब अगर आप लोगों ने इनकी सरकार बना दी तो सारा बेड़ा गर्क कर देंगे इनको। गलती से भी इनको वोट मत दे दो ना, मेरे को पता है। इन्होंने मेरे को जेल भेजा, पीछे से आप लोगों को बहुत तंग करा। मेरे को पता चला जगह जगह सीवर सड़कें रिपेयर नहीं होने दी, सीवर ओवरफ्लो करा दिया, गंदगी मचा दी। मैं आ गया, मैं सारा ठीक कर दूंगा। सड़कों की रिपेयर चालू करा दी मैंने पूरी दिल्ली में, जगह जगह जो टूटी सड़कें थी रिपेयर हो रही हैं, जो बच गई वो भी हो जाएंगी। सफाई चालू करा दी मैंने पूरी दिल्ली के अंदर, और जितना सीवर ओवरफ्लो कर रहा था वो भी ठीक करा दिया। सारी चीजें कर देंगे, मैं आ गया, आप चिंता ना करना। ठीक बात है। दिवाली आने वाली है, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में सबको सुखी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप सबकी मनोकामना भगवान पूरी करे। अब हम लोग पदयात्रा पे चलेंगे, सब लोग, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे चलना।